वीवो वाई 300 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुका है। मैं इसके स्पेक्स वाइज बताने वाला हूं कि यह स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होने वाला है और साथ में यह भी बताऊंगा कि यह इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च हो जाएगा और साथ ही साथ यह भी जान लेंगे कि इसकी प्राइस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले डिजाइन से बात करते हैं, तो डिजाइन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। डुअल कैमरा का सेटअप, एक ऑरा लाइट देखने को मिल जाता है एंड इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको बैक पैनल में प्लास्टिक एंड फ्रेम प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। आगे के साइड से पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। आगे पोर्ट्स और बटन की बात करें तो हाइब्रिड सिम स्लॉट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑप्टिकल वाला स्टूडियो स्पीकर, 3.5mm वाला जैक होल देखने को नहीं मिलेगा। आगे डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच के साथ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल एंड 395 PPI के साथ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले वाइज यह स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। आगे परफॉर्मेंस यानी गेमिंग की बात करें तो आप इसमें बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इसमें थोड़ा सा यानी कि कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। इसमें जो चिपसेट लगा है स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 जो कि 4nm फैब्रिकेशन पर देखने को मिल जाता है। वहीं इसके AnTuTu स्कोर की बात करें तो आपको 4 लाख प्लस देखने को मिल जाएगा। आगे रैम रोम टाइप की बात करें तो LPDDR4X एंड UFS 2.2 देखने को मिल जाता है। यह स्मार्टफोन आउट द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ इंडियन मार्केट में 21 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा। वहीं इसके अपडेट पॉलिसी की बात करें तो मे भी हो सकता है कि 2 साल का मेजर अपडेट एंड 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाए। आगे बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो 5000mAh की बैटरी एंड 80W का चार्जर देखने को मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से चार्जर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है 80W का। अब बात आती है कैमरे की, तो मेन कैमरा आपको 50MP एंड दूसरा जो कैमरा लगा है वो 8MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। मे भी हो सकता है कि आपको OIS देखने को न मिले, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो सभी ब्रांड OIS देते हैं, इनको भी देना ही चाहिए था। हो सकता है कि आपको OIS देखने को मिल जाए। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपको 32MP का देखने को मिल जाता है। कैमरे वाइज तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हैं क्योंकि आपको सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन आपको OIS देखने को मिल जाता है तो यह स्मार्टफोन और भी बेटर हो जाएगा। आगे इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1, वाईफाई 5 एंड NFC देखने को नहीं मिलेगा। वीवो वाई 300 5G स्मार्टफोन IP64 रेटिंग साथ देखने को मिल जाता है, यानी कि यह स्मार्टफोन हल्का बारिश और डस्ट को आराम से झेलने वाला है। अब बात आती है इसकी प्राइस की, में भी हो सकता है कि इसकी प्राइस 17,000 से 18,000 के बीच में देखने को मिल जाए। ये रही पूरी जानकारी वीवो वाई 300 5G स्मार्टफोन के बारे में। कैसा रहा वीडियो, अच्छा रहा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।